सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। मैं आपका अपना मंजीत यादव आज फिर से पशुपालक भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं एक नई वीडियो के साथ। प्रयास बारंबार वीडियोज़ के जरिए एक पशुपालक को पशुपालक से मिलाने का रहता है, उसी प्रयास में आज हम युवा पशुपालक कहेंगे हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट झज्जर का एक सबसे कम उम्र के पशुपालक जो अच्छे पशुओं के शौकीन हैं, समय समय पे पशुपालकों को अच्छी और शानदार क्वालिटी का जो पशुधन उपलब्ध करवाया है। डिटेल से पशुधन के बारे में जानें या भाई से मिलवाएं, उससे पहले जो भी भाई पहली बार कवरेज को देख पा रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचता रहे। जो भाई फेसबुक पेज पे देख पा रहे हैं वो पेज को भी लाइक करें ताकि वहाँ भी आपको वीडियोस मिलती रहें। तो आज की वीडियो है जी डिस्ट्रिक्ट झज्जर के गांव पटासणी, जो झज्जर से रेवाड़ी रोड पे पड़ता है। सामने साहिल भाई को आप देख पा रहे हैं, युवा पशुपालक हैं, भाई से मिलवाते हैं और पशुधन के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। नमस्कार साहिल जी। नमस्कार जी। सबसे पहले जी आपका स्वागत करते हैं, आप इतना कीमती टाइम लगा के हमारे डेयरी फार्म पर आए। जी जी। व्यूअर इतना कीमती टाइम लगा के देख रहे हैं उनको भी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो क्या कुछ डिटेल है इस पशुधन के बारे में बताएं भाई साहब? सेकंड टाइमर जो की है जी, और आज ब्याई उड़ी होगी भाई साहब, 6 से 7 दिन की ब्याई उड़ी जी। और आज फिलहाल मौके पर भाई साहब इसमें 16 से 17 किलो दूध है जी। और 16 से 17 किलो दूध में जी कोई भी भाई अपने आके यहाँ आ जाएगा, दोनों टाइम का अपना दूध रख के 1.25 किलो मक्खन, 1.25 किलो टिंडी की। टिंडी की। तो साथ में बच्चा क्या है? साथ में मेल काफ भाई साहब, 7-8 दिन की ब्याई हुई। हाँ जी। एक बार खोलना इसको, दूसरे ब्यांत की जोटी है जी, 7-8 दिन की ब्याई हुई, साथ में बच्चा, साथ में मेल काफ, मेल काफ है। मेल काफ सीमन का या वैसे है? नहीं जी भाई साहब इस चीज का नहीं पता, इस चीज के बारे में पता नहीं। तो दूसरे ब्यांत की जोटी है जी, बहुत ही शांत स्वभाव की, ये देख सकते हैं आप, क्योंकि जब वीडियो बनाते हैं पशुधन भागदौड़ करने लग जाता है, लेकिन बिल्कुल शांत जो ये मुर्रा पशुधन। दूसरे ब्यांत की जोटी साथ में करीब से एक बार दिखाएंगे, जो ऑर्डर की क्वालिटी है, थनों की क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतरीन। साहिल भाई एक उस साइड ले चलो एक बार, बिल्कुल छोटा सींग शरीर पे जमता हुआ। और काफ़ी भाई हैं जो घर रखने वाले हैं जो बोलते हैं कि अच्छे दूध के साथ साथ में घी भी चाहिए। 16-17 किलो दूध तैयार और 1.25 किलो जो टिंडी घी आज मौके पे बता रहे हैं, साथ में हाइट लेंथ हर जगह से बात करें, मिल्क के साथ साथ में ब्यूटी भी काफ़ी अच्छी इस पशुधन में देखने को जो है मिल रही है। ये देखिए जी थनों की जो क्वालिटी है, जो बनतर है वो बिल्कुल साफ सुथरी सीधे थन। काफ़ी पशु हैं जिनके थनों में टेढ़ापन होता है। और लगभग टाइम क्या हो गया होगा साहिल भाई? सब एक बजे का टाइम, 1 बजे के। तो आपको गूगल के हिसाब से टाइम भी दिखाएंगे ताकि किसी तरह का कोई संदेह ना रहे, चाहे 1 का टाइम हो, 1.5 का हो, चाहे 12.5 का हो। तो बहुत ही शानदार बांध लो जी, साफ सुथरी नीचे की। शाम को जो 4 बजे 5 बजे वीडियो बनती है, जिस टाइम पे टाइम होता है, या काफ़ी भाई हैं जो 1-2 घंटे का टाइम लगाते हैं पशुधन को, वो काम अगर हम करेंगे तो बस पूछिए मत, लोग ऑनलाइन पेमेंट डालने के लिए भी तैयार हो जाते हैं भाई साहब। चुवाई की ऑल ओवर इंडिया फुल गारंटी है। थनों में फिलहाल भाई साहब 2 से 2.5 किलो की अगाड़ी निकाल रही है अभी फिलहाल, 2-2.5 किलो की अगाड़ी। और जो थनों की बनतर है वो आप ये देख सकते काफी हैं, काफी यहीं की यहीं थन फुलाती, बिल्कुल मुठिया, बिल्कुल सॉफ्ट चुवाई जी जी जी। तो साथ में जो मेल काफ है वो भी आप देख पा रहे हैं, काफी हष्ट पुष्ट इसके साथ में मेल काफ। और यहाँ से आप पशुधन का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो देख पा रहे हैं जी। ठंडी बहुत बात, बहुत ठंडी स्वभाव होगी, कुछ भी घेर दो जी जी, अगर सूखा थोड़ा भी घेर दिया ना जी जी, उसको भी खाने लग जाएंगे। तो लगभग पीक पे किस दूध की उम्मीद कर रहे हो? जिस हिसाब से जैसे दूध पे चल रही है ना, मेरे हिसाब से मैले से जैसे क्लियर होगी ना, कम से कम मैं उम्मीद कर रहा हूँ 2 किलो दूध और बढ़ाएगी। अच्छा, मतलब 18-19 किलो दूध, 18-19 किलो दूध आराम से देगी भाई साहब। जी जी। तो एक बार टाइम आप गूगल के हिसाब से दिखा दीजिए ताकि कोई पशु बालक है उसको संदेह ना रहे किसी भी तरह का। साथ में सिंगल हड्डी की भैंस है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं। और अडर की जो बनतर है वो देखिए, नाभि से बिल्कुल टच होती हुई। काफ़ी टाइम अभी बाकी है चुवाई के टाइम में, साथ में जो काफ है ये देख पा रहे हैं आप, मेल काफ। और दूसरे ब्यांत की जोटी बिक्री के लिए उपलब्ध है भाई के पास। साहिल भाई रेट क्या रखा है? रेट क्या रखा है? रेट भाई इसका मौके पे करेंगे दूध के हिसाब से। हाँ जी, दूध के हिसाब से होगा। तो लगभग कितने पशु रखते हो रूटीन से? रूटीन से भाई साहब लगभग 2 भैंसे तो ताजा रखते ही हैं। टाइम दिखा दीजिए एक बार, साथ में जो कि रख लेते हैं गूगल प्लीज टाइम एंड डेट।
ये देखिए जी, एक बज के छह मिनट ये देखिए जी, अपनी तरफ से रविवार के दिन ये वीडियो कवर हो रही है और कोशिश करेंगे जल्दी आपको स्क्रीन पे भी देखने को मिलेगी। एक और जोटी अंदर है वो भाई साहब वो बेच रखी है, फर्स्ट टाइमर जोटी है भाई साहब जी। और आज फिलहाल जो कि जाएगी, अभी गंडी आ जाएगी थोड़ी बहुत देर में जी जी। 13 किलो दूध अगले से बताया था, बच्चे से अलग अगला नूले कितना दूध में 12 किलो दूध अपने घर पे काट लेना भाई साहब। कितने रुपए की बेची भाई? ओनली 75,000 रुपए की दी है। 75,000 रुपए की भाई ने सेल किए पहले ब्यांत की जोटी, 13 किलो दूध था, 12 किलो बच्चे से अलग जो निकालने का। एक बार इसको फिर से खोल लीजिए आप, तो आपको इनका जो ये पशुधन है कैसा लगा? काफ़ी अच्छी दूध की, काफ़ी अच्छी घी लाइन की हम भैंस इसको बोल सकते हैं, क्योंकि 1.25 किलो इसलिए अपना घर पे एक पशुधन रखना चाहता है ना जी जी, वो इसको किसी तरह से आँख मीच के भी खरीद सकता है, कहीं से नहीं उतरती, शांत स्वभाव, ठंडे को होता भाई। बिल्कुल बिल्कुल, तो कोई भी पशुपालक जो है खरीदना चाहता है वो इनसे संपर्क कर सकता है। इनका मोबाइल नंबर क्या है साहिल भाई? 9350 75 85 34 9350 75 85 34 ये इनका संपर्क सूत्र है। और ये देखो भाई साहब, बदले आओ इधर, अभी अभी बारिश भी हुई है थोड़ी, यहाँ पे 6 दांत जोटी बिक्री के लिए उपलब्ध है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। सभी पशुपालक जुड़े, सभी का धन्यवाद, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम।